हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ, जो आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, नवाचार का अर्थ, परिभाषा एवं आवश्यकता को संक्षिप्त में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य सहित नवाचार के उपागमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्थली विद्यापीठ के बारे में संक्षिप्त बताइए, सविस्तार बताइए। वनस्थली विद्यापीठ के बारे में सविस्तार आपको बताना है। सहकारी अधिगम के उद्देश्य, लाभ सहित गुण और दोष बताएं। जीवन कौशल शिक्षा के बारे में सविस्तार बताएं। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा से आप क्या समझते हैं? मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता सहित इसके उद्देश्य एवं लाभ को सविस्तार वर्णन करें। मुक्त विश्वविद्यालय, जीवन कौशल शिक्षा, वनस्थली विद्यापीठ, ये पॉइंट्स आने ही आने हैं। रोबोट शिक्षक क्या है, इसकी सीमाएं एवं नुकसान के बारे में बताइए। और टिप्पणियां आ सकती हैं, 2-3 टिप्पणियां एक क्वेश्चन में करके बनेगा, तो ई लर्निंग आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, स्वयं जो है उसको तैयार कर लीजिए। पेपरलेस क्लासरूम, आंगनवाड़ी, आईसीटी और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये टिप्पणियां आप तैयार कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की अवधारणा बताइए। इंटरनेट का अर्थ एवं विशेषता, उपयोगिता बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग आप कैसे करेंगे? उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो आपको क्वेश्चन कितने पेज का एक क्वेश्चन लिखना है। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन वाला प्रोसेस फ़िलहाल तो नहीं है और ना ही यूनिट वाइज क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये मान के चलिए 90% चांसेस है, 95% चांसेस है कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, कोई भी 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कम से कम 6 पेज का करना है, कम से कम 6 पेज, 5 से 6 पन्ने का आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिससे आपके पूरे पूरे नंबर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। और जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसी क्वेश्चन का नंबर आपके आंसर नंबर पे होगा। यानी कि मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और अगर आप उसे सबसे पहले कर रहे हैं तो आप उत्तर नंबर 5 लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 आप कर रहे हैं और आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर का उत्तर नंबर 1 लिखेंगे, नहीं, जो क्वेश्चन नंबर आप कर रहे होंगे वही उत्तर नंबर आप वहां पर डालेंगे। आपको अपनी एग्ज़ाम कॉपी कैसे भरनी है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक अवेलेबल होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, 2017, 2018 और 2019 का। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आंसर लिखने के लिए आप अपना पेन के साथ साथ आप स्केच का भी यूज़ करेंगे, डायग्राम्स का यूज़ कर लीजिए आप, थोड़ा सा उसको डेकोरेटिव टाइप से बनाइएगा तो उसमें आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो, जल्दी आप लोगों के साथ लाइव आऊँगी, कोशिश पूरी रहेगी इधर 2-3 दिन में लाइव करूँ और आपके जो भी डाउट्स हों क्वेश्चन एग्ज़ाम को लेकर के आप क्लियर कर सकते हैं। और
एग्ज़ाम कॉपी भरते समय ध्यान रखिएगा आप किसी तरीके की मिस्टेक ना करें। एग्ज़ाम कॉपी कैसे फिल करनी है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।